अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ हसन रजा उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम अपनी बात प्रीवियस लेक्चर से एकदम आगे लेके चलेंगे आज देखेंगे कि बीटा डिके क्या है बीटा डिके किसे कहते हैं और ये कैसे होती है गैमा डिके क्या है और डियर स्टूडेंट्स बीटा और गैमा डिके को डिस्कस करने के साथ साथ इनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस डिके को इस एक न्यूक्लियस के दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने के अमल को मैयर कैसे किया जाता है इसके आखिर यूनिट्स के हैं तो चलिए स्टूडेंट्स बग़ैर तख़िर के आगे चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ डियर स्टूडेंट्स चलिए न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन की उस गुफ्तु को आगे लेके चलते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स के डिके होने के साथ साथ यानी अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स के निकलने के साथ साथ एक न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं यानी बीटा डिके भी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स बीटा डिके को आगे बढ़ाने से पहले याद कीजिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक हैवी न्यूक्लियस में से उसे स्टेबल बनाने के लिए अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और अल्फा पार्टिकल्स क्या थे अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल्स मैंने बताया था कि हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं यानी कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स इकट्ठे कम्बाइंड फॉर्म में यानी कि टॉमिक मास चार और टॉमिक नंबर दो तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रख लीजिएगा एल्फ़ा पार्टिकल्स उस न्यूक्लियस के निकलेंगे जिसका अटोमिक नंबर ज़्यादा होगा जिसका अटोमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेस में होंगे जो ज़्यादा अटोमिक नंबर की वजह से अनस्टेबल होगा वो एल्फा पार्टिकल्स के डिके की वजह से स्टेबल होने की कोशिश करेगा जबकि माय डियर स्टूडेंट्स बीटा डिके क्या है बीटा डिके है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में से निकलना बात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे आपने बस गौर से तवज्जा के साथ तमाम बातें सुननी है बीटा डिके क्या एक न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का निकलना माय डियर स्टूडेंट्स मैं अपने इल्म के मुताबिक तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा होता है तो आखिर एक न्यूक्लियस में से बीटा यानी इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है बीटा डिके इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक एमिशन डियर स्टूडेंट्स आखिर कैसे एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर निकल सकता है बहुत टेक्निकल बात है तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक न्यूक्लियस में से असल में इलेक्ट्रॉन पड़ा नहीं होता जो एकदम बाहर आ जाता है उस न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन डिके करता है हमारे स्टूडेंट्स सो बीटा डिके विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक एमिशन असल में इट इज द न्यूट्रॉन डिके, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ़ न्यूट्रॉन डिके। ये न्यूट्रॉन के टूटने के अमल को कहते हैं बीटा डिके न्यूट्रॉन के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है यकीनन आपके मन में आपके माइंड में क्रियासिटी उठी है चलिए इस क्रियोसिटी को नॉर्मलाइज न्यूट्रलाइज करने के लिए बात को आगे लेके चलता हूं स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक न्यूट्रॉन है अगर मैं इसे एक न्यूट्रॉन को तोड़ूं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन इज वन जीरो न्यूट्रॉन का ऑटोमिक मैस तो वन है मगर ऑटोमिक नंबर प्रोटॉन नहीं होता ये न्यूट्रॉन है इस न्यूट्रॉन को ब्रेक करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स जानते हैं क्या होगा इस न्यूट्रॉन को ब्रेक करने से इसमें से एक प्रोटॉन निकलेगा तो डियर स्टूडेंट्स प्रोटॉन इज एच वन वन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही प्रोटॉन कहलाता है ना एच वन वन स्टूडेंट्स इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन इज जीरो माइनस वन और साथ जाहिर है थोड़ी सी एनर्जी तो मस्ट है थोड़ी सी एनर्जी तो साथ निकलेगी ही निकलेगी तो आपने गौर किया कि एक न्यूट्रॉन के डिके करने से टूटने से उसमें से प्रोटॉन और हमारी चीज़ हमारी अहम चीज़ इलेक्ट्रॉन निकलता है तो डियर स्टूडेंट्स तो एक न्यूक्लियस में जब भी कोई न्यूट्रॉन टूटता है तो उसमें से प्रोटॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है प्रोटॉन क्योंकि न्यूक्लियॉन ही कंसिडर होता है एक न्यूक्लियस का बासी ही है प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहने वाला है इसलिए वो न्यूक्लियस में ही रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिजाइड नहीं कर सकता लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट है इसलिए वो न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर निकल जाता है और हम इसे इलेक्ट्रॉनिक एमिशन कह देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स चलिए समझने के लिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे न्यूक्लियस में जिसमें से एक न्यूट्रॉन डिके किया तो न्यूट्रॉन डिके होने से उसका अटोमिक नंबर क्या चेंज होगा क्या अटोमिक मास चेंज होगा ये बात बहुत टेक्निकल है इसी बात को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ तो इमेजिन कीजिए कि ये वन टू थ्री फोर फाइव प्रोटॉन्स हैं किसी न्यूक्लियस में और वन टू थ्री फोर और फाइव ही न्यूट्रॉन्स हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये एक न्यूक्लियस आपके सामने बना रहा हूँ जिसका एटॉमिक मास आपके लिए यहाँ पर क्या होगा इसका Atomic मैस आप देख सकते हैं इट मस्ट बी फाइव प्लस फाइव तो अटोमिक मैस टेन क्योंकि इसका क्या होगा इसका atomic number होगा, विच इज इक्वल टू जी जो फाइव है जो कि सिर्फ पाँच ही प्रोटॉन्स हैं स्टूडेंट्स अगर ये बीटा डिके करे यानी कि अगर ये न्यूट्रॉन डिके करे तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए इस न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कीजिए लेट से ये न्यूट्रॉन डिके करेगा इस न्यूट्रॉन के डिके होने से एक प्रोटॉन पैदा होगा तो चलिए इस पैदा होने वाले प्रोटॉन को ग्रीन से ड्रॉ करते हैं एक प्रोटॉन पैदा होगा और एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा इलेक्ट्रॉन को उस डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन तो फौरन से ही मौका मिलते ही न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा जिसे बीटा डिके कह देंगे और ये प्रोटॉन बचेगा जो कि इस न्यूक्लियस में रह जाएगा सो आफ्टर डिके जो डॉटर न्यूक्लियाइड होगा तो डियर स्टूडेंट्स उस डॉटर न्यूक्लियाइड के कवाइफ क्या होंगे उस डॉटर न्यूक्लियाइड के अटोमिक मास और अटोमिक नंबर के नंबर्स क्या होंगे अगर गौर कीजिए तो उसका अटोमिक नंबर क्या बना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो डियर स्टूडेंट्स दोबारा से देखिए इसके अटोमिक नंबर्स क्या बनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितना बनेगा इसका नंबर बिकेम सिक्स और अटोमिक मैस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अटोमिक मैस वही रहा टेन आपने नोटिस किया एक बहुत अहम डिफरेंस एटॉमिक मास आफ्टर एंड बिफोर द न्यूट्रॉन डिके और द बीटा डिके वेयर एज डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय वन एटॉमिक नंबर पहले पाँच था अब छः हो गया एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया क्यों बढ़ गया क्योंकि जो न्यूट्रॉन डिके हुआ था उसने एक प्रोटॉन पैदा किया था वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रह गया था तो डियर स्टूडेंट्स फिर आप इसका जनरल फॉर्मूला या जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप कहेंगे कि अगर एक, एक एक्स पेरेंट न्यूक्लियॉइड है जिसका एटॉमिक मास ए है एटॉमिक नंबर जी है अगर ये अनस्टेबल है ये डीके करेगा बीटा डीके करेगा तो डियर स्टूडेंट्स बीटा डीके के नतीजे में पैदा होने वाला जो डॉटर न्यूक्लियॉइड है लेट्स से वाई उसका एटॉमिक मास तो ए ही रहेगा जितना था 10 10 सेम मगर एटॉमिक नंबर में एक इज़ाफा आ जाएगा बिकॉज़ ऑफ एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड एज़ अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रॉन दिखे वो उसी में रह जाएगा प्लस बीटा रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी बीटा रेडिएशंस आर द इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर निकल जाएंगे प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगी सो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी द जनरल इक्वेशन ऑफ बीटा डिके तो चलिए इस बीटा डिके की फिर एक एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि क्या वक्त ही ऐसा होता है या नहीं होता हमारे डियर स्टूडेंट्स तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियक्टिव कार्बन की एग्जाम्पल मौजूद है कार्बन 14 कार्बन 14 जिसका अटोमिक मास तो 14 है अटोमिक नंबर सिक्स है डियर स्टूडेंट्स ये बीटा डिके करता है इसके बीटा डिके करने से ज़ाहर है एक ऐसा मटीरियल प्रोड्यूस होगा जिसका अटोम ही होगा मगर अटोमिक नंबर एक ज़्यादा यानी सेवन होगा तो सोचिए कौन सा ऐसा न्यूक्लियस है जिसका अटोमिक नंबर सेवन है जिसके पास सात नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन आइटम्स की पहचान है तो पूरे यूनिवर्स में एक ही आइटम इस तरह का होगा जिसका सात एटॉमिक नंबर होगा एंड दैट इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स सात बीटा रेडिएशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा साथ कुछ एनर्जी एमिट होगी तो हेर यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस द डॉटर न्यूक्लियस एंड इज बीटा रे या बीटा पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ अ न्यूक्लियस तो ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती अब दो बातें आपको याद रखनी है कि हीलियम या अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं एक ऐसे न्यूक्लियस से जिसका न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर के ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबल हो और एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें अनस्टेबिलिटी ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की वजह से होगी उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कम करने के लिए बाय नेचर वो न्यूट्रॉन डिके करेगा यानी कि वो बीटा डिके करेगा तो याद रखिएगा बीटा डिके आमतौर पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के एक्सेस होने की वजह से हुआ करता है माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात खत्म नहीं होती एक डिके और भी है दैट इज कॉल्ड एज गैमा डिके तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द गैमा डिके चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज गैमा डिके को समझने से पहले जरूरी है हमें पता हो कि गैमा है क्या गैमा इज जस्ट एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यानी कि जो निकलने वाली चीज़ है वो कोई प्रॉपर पार्टिकल नहीं है वो कोई वाकई ऐसा पार्टिकल नहीं जिसका मैस और चार्ज होगा तो निकलने वाला पार्टिकल जस्ट मियरली एक फोटोन होगा एक ऐसा चार्ज लेस ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मैस नहीं होता तो निकलने वाला पार्टिकल इन सिंपल वर्ड्स पैकेट ऑफ एनर्जी होगा जिसे फोटोन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब फोटोन निकलेगा तो ना पेरेंट न्यूक्लियस के चार्ज में यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई फर्क पड़ेगा ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या अटोमिक मास पे कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा कि इसका कोई रेस्ट मास भी नहीं है इसका कोई चार्ज भी नहीं है तो चलिए देखते हैं अगर मेरे पास एक्स एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका अटोमिक मास ए है अटोमिक नंबर जी है इट इज जस्ट अनस्टेबल बिकॉज इज एक्साइट स्टेटेंट इट डी एक्साइटिंग सेम अटोम बस ये गैमारे को साथ एमिट कर देगा यानी कि अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें तो सिर्फ ये जो स्टार है ये इसके एक्साइटेड स्टेट को हाई एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट स्टार 60 और 27 है। अगर ये हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर मौजूद हो तो डिस्टूडेंट इसके डिके होने से कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा बस डिस्टूडेंट्स गैमा रेडिएशंस इसके न्यूक्लियस की हाई एनर्जी स्टेट को नॉर्मल या लो एनर्जी स्टेट पर वापस ले आएंगी सो दिस इज हाउ गैमा रेडिएशंस विल इफेक्ट द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि गैमा रेडिएशन कैमेट होने से न्यूक्लियस पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर ये यह बात नोटिस की होगी कि अल्फ़ा डिके में इस डिके में न्यूक्लियस पर फर्क पड़ता है न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है बीटा डिके में भी न्यूक्लियस पर फर्क पड़ता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा डिके और बीटा डिके के बाद न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं रहता इस बात का मतलब क्या चलिए इस बात को थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ इस बात को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ माई डियर स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ न्यूक्लियाज मौजूद हैं लेट से ये खास न्यूक्लिया जो हैं ये इस मटेरियल मेरे पास कार्बन के फॉर एग्जांपल डियर तो स्टूडेंट्स कार्बन आपने पता है कि पढ़ा है ये बीटा डी करेगा जब ये बीटा डीके करेगा तो इसके बीटा डीके करने के बाद कार्बन कार्बन नहीं रहेगा इसका न्यूक्लियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑफ द एडिशन वन इन इट तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास लग से पांच कार्बन फोर्टिंग पड़े हुए अगर ये बीटा डी करेंगे तो वट विल हैपन दिस विल द बीटा डीके दिस कार्बन विल नॉट रिमेन कार्बन दिस विल रिमेन अ नाइट्रोजन दिस बिकम अ नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन बन जाएगा और बाकी चार जो है वो कार्बन ही रहेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी थोड़ी देर के बाद है एक और न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा बीटा डीके के बाद नाइट्रोजन में तो मेरे पास दो नाइट्रोजन आ जाएंगे और बाकी कार्बन ही रहेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो डिके प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है यानी डिके प्रोसेस के बढ़ने का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो ए क्लास ऑफ ए कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियस है वो बी कैटेगरी में कन्वर्ट हो रही है यानी के पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है डॉटर न्यूक्लियस में दो कन्वर्ट हो गए थोड़ी देर के बाद तीन कन्वर्ट हो जाएंगे चार कन्वर्ट हो जाएंगे सो स्टूडेंट्स दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन पेरेंट न्यूक्लियस इंटू द डॉटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन जो हम पढ़ रहे हैं और डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है इस प्रोसेस को मैयर कैसे किया जाता है इस डिके रेट को मैयर कैसे किया जाता है डियर स्टूडेंट्स इस नेचुरल एक्टिविटी के रेट को मैयर किया जाता है एक खास यूनिट्स में इस खास यूनिट्स को बैक्वेर कहते हैं तो स्टूडेंट्स इस खास यूनिट्स को बेक्रियल कहते हैं लिख देते हैं वन बैक्रल इट इज रिटन एज बी क्यू स्टूडेंट्स जानते हैं बेक्वरियल का मतलब क्या है वन बैक्ल का मतलब है वन डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड सो वन बी क्यू मीन्स वन डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में एक न्यूक्लियस ब्रेक करके डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा तो डे स्टूडेंट्स आमतौर पर यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और फास्ट भी है तो इस लिहाज से ये बेकोरियल एक छोटा यूनिट है. है तो ये एस आई यूनिट लेकिन एक छोटा यूनिट है हमारे पास बड़े यूनिट्स भी हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वन के बेकरल्स का मतलब है एक सेकंड में एक हजार डिसंटीग्रेशन लेकिन students, ये भी एक छोटा यूनिट ही है इससे बड़ा यूनिट भी है one मेगा ये भी डिसंटीग्रेशन के रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने न्यूक्लियाइस एक सेकंड में डेसन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ये 10 एस टू पार सिक्स बेकोरल्स के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स इससे बड़ा भी एक यूनिट है डियर स्टूडेंट्स इससे बड़ा यूनिट असल में कहा जाता है वन क्यूरी को सो so, वन सी यू आर आई ई डे स्टूडेंट्स जानते हैं वन क्यूरी किसके इक्वल होता है वन क्यूरी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन इज टू दी पार्ट टेन बेक्वेरियल यानी के अगर एक सेकेंड में 3 इंटू 10 एज टू दावर टेन हो तो ए क्यूरी कहलाएगी इट इज वन ऑफ द वेरी बेग यूनिट ऑफ न्यूक्लियर डिस और जानते हैं इतनी डिस इंटीग्रेशन एक सेकंड में किसकी होती हैं एक सेकंड में एक ग्राम अगर रेडियम मौजूद हो एक ग्राम रेडियम की इतनी ज्यादा डिस इंटीग्रेशन सेकंड में हो जाती है बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं बीटा डी के क्या है गैमा डी के क्या है और गैमा डी के साथ इनके यूनिट्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखिएगा आपके साथ आने वाले अगले लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगा कि इन अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर इजाजत हैं अपना यू इन द नेक्स्ट क्लास हाफिज़